दोस्तों, कुछ लोगों के दाढ़ी और मूंछ समय से पहले ही सफेद हो जाते हैं, जिनके कारण कई स्थानों में अपने जैसे उम्र के लोगों के साथ उन्हें खड़े होने में भी शर्म महसूस होता है। दाढ़ी और मूंछ के बाल जल्दी सफेद हो जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बाल सफेद होने के कारण पैतृक प्रभाव यानी जेनेटिक, बहुत ज्यादा शराब पीना, स्ट्रेस लेना मतलब बहुत ज्यादा सोचना, और गर्मी देने वाला खाने का ज्यादा से ज्यादा आहार करना के और बहुत सारे कारण है। केमिकल बेस्ड कलर को यूज करना, हेयर ड्रायर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, मेलानिन के मात्रा कम होने के कारण से आपके दाढ़ी और मूंछ के बाल सफेद होने लगते हैं। मेलानिन ऐसा तत्व है जो आपके बालों और त्वचा के रंग को सही रखने में मदद करता है, लेकिन उम्र के साथ बॉडी में मेलानिन के मात्रा कम होने के कारण से बालों और त्वचा के रंग फीका पड़ने लगता है। दाढ़ी और मूंछ के सफेद बालों को काला बनाने का घरेलू उपचार यानी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. Number 1, करी पत्ते का पानी। 100 मिलीलीटर वाटर पे आप थोड़ी सी करी पत्ते डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना हो जाए। पानी आधा हो जाने के बाद आप इसे पी लें। रोजाना इस उपचार को आजमाने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। नंबर 2, आलू और दाल का पेस्ट। इस बेहतरीन आयुर्वेदिक नुस्खे से आप मूंछ के सफेद बाल से छुटकारा पा सकते हैं। आलू और दाल से बना हुआ पेस्ट मूंछ के सफेद बालों को काला करने में बहुत ही कारगर साबित हुए। आलू में ब्लीचिंग का प्राकृतिक गुण मौजूद है, इसके कारण दाल के साथ आप इसे मिलाकर दाढ़ी और मूंछ पे लगा सकते हैं, जिससे आपको प्राकृतिक कलर वापस आ सकते हैं। नंबर 3, फिटकरी और गुलाब जल का यूज करना। फिटकरी और गुलाब जल का पेस्ट आपको अपने दाढ़ी और मूंछ पर लगाकर आप प्राकृतिक रंग पा सकते हैं। इसके लिए आपको फिटकरी को पीसना पड़ेगा। इसके पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर अपने मूंछ और दाढ़ी पर लगा लीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। नंबर 4, पुदीने की चाय। पुदीने की चाय में बालों को प्राकृतिक रंग देने का सभी गुण मौजूद है। आपको इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आपके दाढ़ी और मूंछ के बालों का असली कलर वापस आ जाएंगे। नंबर 5, नारियल तेल और करी पत्ते का यूज़ करना। कुछ करी पत्ते लेकर आप नारियल तेल में उबाल लीजिए। ठंडे होने के बाद आप इसे एक बोतल में रख सकते हैं और उस तेल को दाढ़ी और मूंछों पर मालिश करें। इस तेल का प्रयोग आप अपने सिर के बालों पर भी कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस तेल से मालिश करने पर आपके सफ़ेद बाल कुछ ही दिनों में काला हो जाएंगे। नंबर 6, आंवला जूस। जिनके दाढ़ी अब पक रहे हैं उनको 1 महीने तक लगातार आंवले के जूस पीना चाहिए। ये बहुत प्रभावशाली उपाय है। और एक बात दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दाढ़ी और मूंछ के बाल समय से पहले सफ़ेद ना हो, आपके कुछ चीज़ों पर ख्याल रखना पड़ेगा। आप दाल, फल, सब्जी तथा प्रोटीनयुक्त खाना रोज खाने में इंक्लूड कीजिए। जंक फूड मत खाइए। शराब, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। टी और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। और दोस्तों, छुपाने के लिए आप डाई कलर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। तो आज बात इतना ही। अपने मूंछ पर ताव देकर उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।